ओम शांति। पिता श्री जी के अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी जी द्वारा अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। आज जब हम वतन में गई तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्कर लगाने के संस्कार हैं। तो आज भी वतन से चक्कर लगाने गए थे, जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुँचे और जितना चंद्रमा के नज़दीक पहुँचते गए उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहाँ पहुँचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, तो वहाँ भी धरती की आकर्षण नहीं रहती है। यह है ध्यान द्वारा और वह है साइंस द्वारा। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वह लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहाँ तो जब चाहें जैसे चाहें अपने हाथ में है। इसके लिए बाबा ने एक दृश्य दिखाया। लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था, ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहाँ खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऊपर देख नहीं सके, जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वह सीन देखने की थी, कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम के आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थीं। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर तथा शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल ना मन में ना तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। अच्छा, ओम शांति।